कानपुर में बरसात का आलम यह है कि अब पुलों में भी गड्ढा और दरारें होने लगी हैं। कानपुर का ये खपरा महान पुल है, देखिए मेरे साथ, इसमें एक बड़ा गड्ढा हो गया है। ये नया बना पुल है, कुछ ही साल पहले बनाया गया था पुल, जिसमें बड़ा होल हो चुका है। और ये कानपुर स्टेशन जाने के लिए शहरवासियों के लिए एक मेन पुल है, जिससे लोग बड़ी ट्रेनों को VIP लोग सब भी जाते हैं, ऐसे में बड़ा गड्ढा माने रखता है। मेरे साथ यहाँ पे कई लोग पुल से निकलने वाले लोग हैं, उनसे पूछते हैं कि इस गड्ढे से उनको क्या खतरा हो सकता है। इस गड्ढे से दुर्घटना की संभावना ज़्यादा है, कोई भी किसी भी तरह से अगर कट मारता है घुस जाए अंदर, अब उससे बड़ी दुर्घटना ये हो कि उसे उधर से इधर गिर गए तो कुछ भी हो सकता है। कुछ और भी लोग हैं मेरे साथ यहाँ पे, ये बाइक लेके उस गड्ढे के पास ही खड़े हुए हैं, देखिए इन्हीं से पूछते हैं कि इनको क्या लगता है। ये जो ये अभी एक पूछेंगे, आप लोग यहाँ निकलते हैं, गड्ढा कब से हुआ, क्या खबर है? अभी हुआ है, अभी एक घंटा पहले एक बच्चा घुस गया था, निकाला गया है, नहा रहे थे, जब नहा रहे तो देखने पर पानी भरा था तो गिर गया। तो ये हाल है इस गड्ढे का कि देखिए पूरी खपरा महल पुल के पास ही गड्ढा बना है। यहाँ कुछ बनाने वाले लोग भी आए हुए हैं जो पूरा सामान लेके, शायद ब्रिज कॉरपोरेशन की तरफ से टीम आई हुई है, उनका सामान रखा हुआ है, लेकिन बरसात हो गई, अभी कोई काम शुरू नहीं हुआ है। गड्ढा धीरे धीरे बढ़ सकता है क्योंकि अंदर काफ़ी पोल है। यहाँ जो लोग आए हैं उनसे पूछ लेते हैं कि ये आए हैं कब इसका कार्य शुरू करेंगे, कितना बड़ा गड्ढा है, कितना बड़ा है? अब इसका गड्ढा तो अभी खोदने तभी पता चल पाएगा कितना बड़ा गड्ढा है। तो ये गड्ढा बढ़ भी सकता है? गड्ढा बढ़ भी सकता है, क्यों नहीं, अब इसको खुदवाएंगे तभी पता चलेगा। अभी तो फिलहाल इसको भी इसकी मिट्टी इसमें भरी जाएगी। तो ये है कानपुर के खपरा महल पुल का हाल, जो स्टेशन जाने के लिए मेन है, इससे बच्चे भी जाते हैं, रात बिरात हर 24 घंटे गाड़ियां चलती हैं। ऐसे में गड्ढा अगर जल्दी ठीक नहीं हुआ तो और बढ़ा तो किसी न किसी यात्री निकलने वाले मुसाफिर की जान जोखिम में पड़ सकती है। निश्चित रूप से सेतु निगम को इसमें जल्दी से जल्दी इंटरेस्ट ले करके इसको जितनी जल्दी हो गए उतनी जल्दी निर्माण करना पड़ेगा। रंजय सिंह, कानपुर तक।